अमन अपनी पत्नी और बाबूजी के साथ मुंबई शहर के बांद्रा नामक स्थान में रहता था। अमन की माताजी का देहांत कुछ साल पहले ही हो गया था। अमन को घूमना फिरना ट्रैकिंग करना और खूब मस्ती करना बहुत पसंद है। इसी वजह से वो नई नई जगह जाना पसंद करता है। एक बार की बात है, उसने और उसके दोस्त रोहन ने संग्रामगढ़ जाने का प्रोग्राम बनाया। रोहन तुम चलोगे ना? हाँ भाई, मैं भला क्यों मना करने लगा, जहाँ मेरा दोस्त वहाँ मैं। ये बात सुनकर तो मजा ही आ गया। रात का समय था, अमन अपनी पत्नी और बाबूजी के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा था। तभी अमन बोलता है, बाबूजी मैं संग्रामगढ़ जाना चाहता हूँ। अब तुम शादीशुदा हो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो, ट्रैकिंग वगैरह में कुछ नहीं रखा। प्लीज बाबूजी, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। बाबूजी क्यों ना आप और मैं भी इनकी ट्रैकिंग में इनके साथ ही संग्रामगढ़ चले। नहीं नहीं, मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ। अगर तुम जाना ही चाहते हो तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, वरना तुम भी नहीं जाओगे। ठीक है बाबूजी। सभी अपनी अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। अगले दिन सुबह ही अमन, सुनीता, रोहित और बाबूजी कार में बैठकर संग्रामगढ़ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वो सभी बहुत मस्ती करते हुए संग्रामगढ़ जा रहे होते हैं, पर संग्रामगढ़ बहुत दूर था, इसीलिए उन्हें यात्रा करते हुए रात का समय हो जाता है। वो लगभग संग्रामगढ़ से बस 5 किलोमीटर पहले ही अपनी गाड़ी एक चाय के स्टॉल पर रोकते हैं। अरे भैया, 4 कप चाय तो बना दो जरा। जरूर भैया, क्यों नहीं अभी बना देते हैं। है? अभी संग्रामगढ़ पहुंचने में कितना टाइम और लगेगा? अरे आप संग्रामगढ़ जा रहे हो क्या? हाँ जी हाँ जी। अरे आप लोग शहर से आए हैं लगता है। शायद आपको ये पता नहीं है कि रात के समय संग्रामगढ़ में कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि रात को वहाँ एक चुड़ैल वास करती है। यहाँ तक कि उसकी सीमा से कोई यात्री भी रात के समय यात्रा नहीं करता। क्या तुम लोग भी आज के युग में भी तुम लोग सिर्फ चुड़ैल जैसी अंधविश्वास वाली बातों में ही पड़े रहते हो। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। रोहित ये बात सुनकर थोड़ा सा डर जाता है और वो अमन की पत्नी सुनीता से आकर इस बारे में बताता है। सुनीता भी ये सब सुनकर डर जाती है और रोहित से कहती है, अमन नहीं मानेंगे, उन्हें ऐसी अंधविश्वासी बातों पर भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं कुछ करती हूँ। ठीक है। मैं बहुत थक गई हूँ, क्या हम यहाँ किसी होटल या लॉज में आज रात के लिए रुक जाते हैं? ठीक है। रोहित, अमन, सुनीता और बाबूजी चारों उस होटल में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह वो चारों संग्रामगढ़ की ओर निकल पड़ते हैं। जब वो लोग संग्रामगढ़ पहुंचते हैं तो वहां का सरपंच उनका बहुत आदर सत्कार के साथ स्वागत करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे ही घर में ठहरे, क्योंकि उस गांव में कोई भी होटल या लॉज नहीं है। वो सभी गांव वालों के साथ बहुत मस्ती करते हुए वहां की शुद्ध हवा में सभी को बहुत आनंद महसूस होता है। शाम का समय था, सभी लोग सरपंच जी और गांव के कुछ अन्य लोग भी वहां बैठे हुए थे। तभी सरपंच जी कहते हैं, आप लोग कल जब हमारा गांव घूमने के लिए जाएंगे तो आप उस पहाड़ी के पीछे कृपया करके नहीं जाइएगा। क्यों, क्या है वहां पर? उस जगह से रात के समय किसी के घुंघरू चूड़ियों की आवाजें आती हैं और रात के समय अगर वहाँ कोई चला जाता है तो कभी जिंदा वापस नहीं आता। सरपंच जी, रोहित बहुत बड़ा डरपोक है, कृपया करके आप ऐसी अंधविश्वास वाली बातें इसके सामने ना करें। अमन बेटा, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ये हकीकत है, अंधविश्वास नहीं। गांव वाले यही सब बातें कर रहे होते हैं, उसी समय एक बहुत तेज भूकंप आता है। वे सभी बहुत डर जाते हैं, पर थोड़ी देर में भूकंप थम जाता है और सब सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन सुबह एक गांव वाला दौड़ा दौड़ा सरपंच जी के पास आता है और कहता है कि सरपंच जी, उस पहाड़ी के पीछे आज भी बहुत सारे खंडहर जमीन से ऊपर आ गए हैं। ये बात सुनकर सभी गांव वाले सरपंच जी के साथ अमन, रोहित और सुनीता भी उस खंडहर को देखने की इच्छा से उस पहाड़ी के पीछे जाते हैं। वो सभी लोग उस खंडहर के जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वो तो एक महल है जिसमें राजा महाराजाओं के टाइम की बहुत सी चीजें रखी हुई हैं।
पर सभी जगह पर एक तस्वीर थी जिसमें बहुत ही खूबसूरत एक राजकुमारी का चित्र बना हुआ था। रोहित, ये कितना सुंदर महल है। मुझे लगता है कि समय के साथ ये जमीन के अंदर धस गया होगा। हाँ भाई, मुझे भी यही लगता है। दूसरी ओर सुनीता महल के आंगन में एक तस्वीर लगी हुई देखती है जिसमें एक बूढ़ी औरत जैसे किसी राजमाता का चित्र हो, पर वो वहाँ का दृश्य देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है और सोचने लगती है कि कोई भी राजमाता की तस्वीर घर के आंगन में क्यों लगाएगा। और महल के इसी जगह पर इतनी हरियाली और ताजगी है जैसे कि यह जगह जमीन के ऊपर की सतह पर हो, और महल का बाकी हिस्सा एक खंडहर की तरह है। उस हिस्से में बहुत धूल मिट्टी और मकड़ी के जाले हैं, और महल का कुछ हिस्सा टूटा हुआ भी था। इतने में ही जो राजकुमारी की तस्वीर थी उसमें से वही राजकुमारी चुड़ैल के रूप में बाहर आ जाती है और सभी गांव वालों रोहित और सरपंच जी को बेहोश कर देती है और साथ ही अपनी शक्तियों से उन्हें खंडहर के बाहर भेज देती है। पर ये शक्तियाँ सुनीता पर कोई असर नहीं करती, पर उसकी शक्तियों के कारण वो उस आंगन से अंदर नहीं आ पाती है। सुनीता और अमन ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं। मैं बहुत सालों से इस महल में कैद हूँ, हमेशा ही मैं अंधेरे में रहती हूँ। मुझे तुम जैसे प्यार करने वालों से सख्त नफरत है, इसीलिए मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगी। अरे चुड़ैल जी, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें क्यों मारना चाहती हो? मेरा भी क्या कसूर था जो मुझे मेरे पति ने छोड़ दिया, और मेरी माँ ने भी मुझे श्राप दे दिया कि मैं इस महल में हमेशा के लिए कैद रहूं, दिन का उजाला ना देख सकूं। मेरा क्या कसूर था, सिर्फ इतना कि मैंने अपनी इच्छा अनुसार अपना वर चुना और वो भी धोखेबाज निकला, इसीलिए मुझे प्यार करने वालों से बहुत नफरत है। और तुम भी सुनीता से बहुत प्यार करते हो, इसीलिए मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। ये बात सुनकर वो बहुत डर जाता है और चुड़ैल अपनी शक्तियों से अमन को कभी ऊपर पटकती है तो कभी नीचे पटकती है। अमन बहुत जख्मी हो चुका था, चुड़ैल लगभग उसे मारने ही वाली होती है। तभी सुनीता को चुड़ैल की बातें सुनकर समझ आ जाता है कि राजमाता की तस्वीर महल के आंगन में क्यों लगी है। सुनीता जल्दी से वो तस्वीर उतारती है और उस चुड़ैल की ओर बढ़ने लगती है। माँ, अब मेरे रास्ते में मत आओ, छोड़ दो मेरा पीछा, जाने दो मुझे। चुड़ैल अपनी माँ की तस्वीर से निवेदन करती रहती है, पर सुनीता उसे उसकी तस्वीर में कैद कर देती है और उस तस्वीर को अमन एक पत्थर से तोड़ देता है जिससे उस चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। और उसके बाद संग्रामगढ़ के लोग चुड़ैल के भय से मुक्त हो जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अमन, रोहित, सुनीता और बाबूजी वो चारों भी खुशी खुशी अपने शहर आ जाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।